दोस्तों, जो नेक्स्ट जगह हम जाएंगे वो है मुगल गार्डन निशात। तो आप देखेंगे सामने उसका मेन गेट है, ये सामने मेन गेट है इसका, यहाँ से हम करेंगे एंटर। और इसके बिल्कुल सामने गेट नंबर 27 भी है, घाट नंबर 27 आप कह सकते हैं। तो हम उसके बिल्कुल सामने से जा रहे हैं आप निशात गार्डन। चलिए चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ कुछ शॉप्स लगी होती हैं बिल्कुल साथ में। देखो ये यहाँ पे बिरयानी शॉप्स होगी उधर, और यहाँ से टॉय शॉप्स है, ये सारी शॉप्स। और इसके बिल्कुल सामने से आपने एंट्री करना है। तो चलिए करते हैं रोड क्रॉस। तो ये है एंट्री गेट, और यहाँ पे अगर कैब चाहिए हो तो ले सकते हैं आप। कितने का है सर ये कैब? कितने का है कैब ये? ये 120 120 का है। ये बिल्कुल गर्म होता है। हाँ, ये गर्म होता है। पहन सकता है। अंदर से फर वाला कोई है? हाँ। है, दिखाना वो अंदर से भी। अंदर से फर वाला दिखाइए। ये हमारे भाई साहब हैं, इनको ठंड लगती है। देखो बेटा। हाँ दिखाइए जरा। अंदर से फर है। अच्छा, ये कितने का है? ये भी देखा 300 लेदर है। आपने आप देखो जरा, ऐसा चलेगा ऐसा चलेगा? ये दो साइड पहन सकता है, मैंने डाला ये टोपी है ना। अच्छा, दोनों साइड डाल सकते हैं। क्या लगे? देखो जरा इसको, अगर लग रहा है आपको। ये देखो बेटा, तो मेरे पास तो फर वाला है। ये ऐसा भी उल्टा भी हो सकता है। अच्छा। बस कान बंद। हाँ बस, इसको आप उल्टा भी कर सकते हो। देख लो कलर आपको कौन सा चाहिए। कलर और है। ये देखो बेटा, इधर आप। आई आई पूरा बताओ ठंड से। हाँ। अच्छा है ना? अच्छा बचा हुआ ठंड से। दोनों डाल के, दोनों डालना ना। यही है। तो ये है 120 रुपए की, और अभी हम इसको ले रहे हैं। तो निशात गार्डन के बाहर हमें टिकट लेनी पड़ती है, क्योंकि है 12 और 24 रुपए की। 12 रुपए की जो टिकट है वो होगी चाइल्ड की, और एडल्ट की 24 रुपीज़। तो आपको दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये है टिकट काउंटर मुगल गार्डन निशात। तो इसमें 18% GST भी इंक्लूड है। तो चलिए मैं जी, लो टिकट लो आप। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टेक द चेंज। बोलिए आप यहाँ पे। तो दोस्तों अभी यहाँ से टिकट लिया है। टिकट है 24 रुपीज़, 20+ GST। ठीक है, तो चलिए अभी चलते हैं अंदर। यहाँ से बिल्कुल साथ से ऊपर को सीढ़ियाँ हैं, तो चलिए चलते हैं। एंट्री विदाउट मास्क इज प्रोहिबिटेड। ठीक है, बिना मास्क के यहाँ पे नहीं आ सकते। वेपन्स आर नॉट अलाउड इन साइड द गार्डन। ओ भाई, वेपन कौन लेके आएगा? हमारा वेपन तो यही है। तो चलिए अभी दिखाते हैं आपको निशात गार्डन। ये बिल्कुल लेक के, आप देखेंगे ये सामने लेक है, लेक के बिल्कुल साथ में है। ठीक है, डू नॉट लिटर। अभी तो ये छोटे छोटे पौधे लगाए हैं, बहुत छोटे छोटे हैं ये। ये सारे फ्लावर्स हैं, अभी ये टाइम लगेगा इनको उगने के लिए। अच्छा है गार्डन, बट इसमें फ्लावर नहीं है। फ्लावर के अलावा तो बाकी सब कुछ है, झाड़ियाँ। तो यहाँ से है एग्जिट एरिया। ये तो चंडीगढ़ के रोज़ गार्डन की तरह है। तो अभी निशात गार्डन के बाद हम थोड़ा मार्केट में देखेंगे कुछ सामान लेने के लिए, और लंच के लिए देखेंगे वहाँ पे कुछ मिल जाए। उसके बाद चलेंगे हम गुलमर्ग की तरफ। दोस्तों ये जो गार्डन है, जैसे ये सपोज यहाँ से शुरू हो रहा है और वहाँ तक जाता है, काफ़ी लंबा है। और इसी तरह से यहाँ पे दो तीन गार्डन और हैं। ठीक है, ट्यूलिप गार्डन हो गया, और बहुत गार्डन्स हैं। ठीक है, अब हमने गार्डन नहीं घूमेंगे, हम जाएंगे मार्केट। आ रहा है दोस्तों, ये जो मेरे पीछे मार्केट है, ये है निशात शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, J&K रजिस्टर्ड शॉप्स।
तो यहाँ पे अभी देखते हैं क्या क्या मिलता है। आ जाइए पीछे पीछे। यहाँ पे देखते हैं वेजिटेरियन क्या क्या मिल सकता है। ये मार्केट है, यहाँ पे बिरयानी मिल जाएगी, वेज भी मिल जाएगा, नॉन वेज भी मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे सारी शॉप्स हैं, यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे, ठीक है। और आप देखिए सारा, ये बिल्कुल साथ में है, निशात गार्डन के बिल्कुल साथ में सारी मार्केट ही है। अभी है हम कौन से मार्केट में हैं? अभी हम निशात शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हैं। ठीक है, ठीक है। तो अभी आप बताएंगे क्या क्या आपकी जो शॉप है फूड फेस्टा, उसका क्या क्या स्पेशलिटी क्या है? हमारा सबसे पहले स्पेशली हमारा यहाँ पे है कश्मीरी वाजवान, जो यहाँ का कश्मीर का बहुत फेमस है, उसके सब डिशेज हमारे पास अभी मिलते हैं। ये वेजिटेरियन होता है नॉन वेजिटेरियन? ये नॉन वेजिटेरियन रहता है। अच्छा। तो इसमें कश्मीर के जो अपने प्रोडक्ट्स, जो कश्मीर के खुद के मसाले होते हैं, जो कश्मीर का खुद का ब्रांड है, वो इसमें ऐड होता है। ओके। तो ये मसाला, ये जो कश्मीरी वाजवान, ये बहुत टेस्टी और बहुत फेमस होता है, यहाँ के शादी इवेंट्स में बहुत ज़्यादा चलता है। ठीक है। हाँ। तो कितने का होता है ये? ये इसकी, ये तो एक अलग अलग टाइप है, इसका अलग अलग टाइप है। ये तकरीबन आई थिंक 100 to 350 तक इसका प्राइस है। इसकी एक एक पीस आती है, जो वो एक 100 रुपीज़ की एक एक पीस आती है, लेकिन वो क्वालिटी होती है हमारी, यहाँ की बेस्ट क्वालिटी है। और यहाँ पे हम ये तकरीबन अराउंड 20 ईयर से रनिंग कर रहे हैं यहाँ पे। ओके। तो ठीक है, बहुत अच्छा यहाँ पे। यहाँ पे क्या क्या मिलता है? बिरयानी मिलती है यहाँ पे, बिरयानी मिलती है, मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, कबाब बिरयानी, कश्मीरी फुल वाजवान, और वेज नॉन वेज बहुत ही है। चाइनीज सब कुछ, तंदूरी सब कुछ, ए टू जेड। व्हाट इज दिस कांति? चिकन कांति। ओके। चिकन कांति, कबाब कांति, चिकन फ्राइड राइस, तंदूरी चिकन, ग्रीन चिकन, अफगानी चिकन। ओके, वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है? कुछ प्रॉब्लम नहीं है, टूरिस्ट के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बिल्कुल निशात गार्डन जो है उसके बिल्कुल साथ में है। हाँ सर, ठीक है। तो दोस्तों, अभी हो चुकी है हमारी बिरयानी रेडी। ये है वेज बिरयानी, पोर्शन काफ़ी अच्छा दिया है। ये देखिए आप प्लेट, प्लेट में हमें दही भी है, ये रायता टाइप का ना? रायता और चटनी, ये सैलेड टाइप का है। ठीक है, ये देखिए है रेडी। तो अभी हम चेक करके बताते हैं कि कैसा है, चेक करो जरा। कैसा टेस्ट है? ठीक है, तो हम शाम के लिए भी थोड़ा पैक करवा लेंगे, पानी में गर्म कर लेंगे फिर पानी में डाल के, सही है ना? हाँ। तो अभी हम बैठे हैं बिल्कुल डल लेक के किनारे। तो दोस्तों, ये है श्रीनगर की वादियाँ। और देखो, ये चीज़ें यहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा लगा देख के कि श्रीनगर काफ़ी साफ़ सुथरा है। मतलब इन्होंने भी जैसे चंडीगढ़ की तरह स्ट्रीट्स वगैरह काफ़ी साफ़ सुथरी रखी हैं। और यहाँ पे वर्कर्स मैंने सुबह देखे जो कि यहाँ इनको सड़कों को साफ कर रहे थे। तो सच में सुंदर है कश्मीर। अभी हम जा रहे हैं लाल चौक मार्केट से, कुछ मिलेगा तो लेंगे, शॉपिंग करेंगे थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं। उसके बाद निकलेंगे हम गुलमर्ग के लिए। तो ये सारी जो है मार्केट है यहाँ पे। तो पार्किंग का थोड़ा इशू है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा पार्किंग ऑप्शन नहीं है, साइड में ही सड़क के खड़े करो और अंदर जाओ। और हमें तो ये भी पता नहीं है पीछे से कोई क्रेन आके, पुलिस वाले आके उसको कहाँ लेके जाएंगे, इसलिए हम रिस्क नहीं लेंगे। ओ भैया, लाल चौक में तो पार्किंग का बहुत ज़्यादा लफड़ा है, यहाँ तो साइड में लगाएंगे तो बाहर की गाड़ी को क्या पता उठा के ले जाएंगे। लिखा तो हर जगह टो अवे जोन, पार्किंग लगाओ तो ले जाएंगे, अभी स्पेशल पार्किंग में ही लगाना पड़ेगा। अगर सड़कों में लगा देंगे तो क्या पता उठा के ले जाएं, और हमारे पे इतना टाइम नहीं है लफड़ों में पड़े, इसलिए हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं। तो अभी है एक पार्किंग इस लाइन में, देखते हैं अभी। तो दोस्तों, लाल चौक में बहुत मुश्किल से हमें पार्किंग मिली, वो भी साइड में, रोड साइड। महेश भाई अंदर ही हैं, वो क्योंकि कोई आएगा तो गाड़ी आगे पीछे करने के लिए उनको रुकना पड़ेगा। अभी मैं जा रहा हूँ कुछ सामान लेने के लिए, तो अभी देखता हूँ मुझे चाहिए कुछ सामान, तो देखते हैं अभी कहाँ मिलता है वो।
एक मार्केट लाल चौक में यहाँ पे है, यहाँ पे गर्म कपड़े वगैरह अगर बजट में लेने हो, बजट वालों के लिए यहाँ पे है, ठीक है। ये फ्ली मार्केट है जिसको रेडी बाज़ार भी कहते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे आगे आगे पूरी मार्केट ही मार्केट है, ये सारी आगे मार्केट है। तो ये है यहाँ की मार्केट, और यहाँ पे आपको खाने पीने का सामान, इसके अलावा आपको यहाँ पे जैकेट्स, ग्लव्स, ठीक है, इस टाइप की ऑलमोस्ट सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ये यहाँ पे सबसे बड़ी मार्केट है एक तरह से। तो आपको शॉप्स भी मिल जाएंगी, शोरूम्स भी मिल जाएंगे, नीचे लगे हुए पटरियाँ भी मिल जाएंगी। और मुझे कुछ सामान चाहिए, अभी देखते हैं कहाँ मिलता है। ये शूज़ हैं अभी, और स्नो शूज़ भी चाहिए मुझे, अभी देखते हैं कहाँ मिलते हैं वो, क्योंकि अभी जो शूज़ हैं हमारे वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं कि बर्फ़ को इतना ज़्यादा सह सकें। तो देखते हैं अभी कहाँ मिलते हैं। तो यहाँ पे इस मार्केट में आपको अगर जैकेट्स वगैरह लेनी है तो काफ़ी अच्छी हैवी क्वालिटी की मोटी जैकेट्स मिल जाएंगी। तो उनका जो प्राइस है वो है, एक्चुअली आपको 1800 से 2000 के बीच में वो दे रहे हैं, इससे नीचे तो वो कहते हैं हम नहीं जाएंगे। अभी शूज़ मुझे चाहिए, मैं देख लेता हूँ शूज़ यहाँ पे। दोस्तों ये है स्नो शूज़, और अभी अंदर से बिल्कुल फ़र लगा हुआ है इसमें, यह 7 नंबर। तो ये हमने यहाँ पे लिया है लाल चौक पे, इसका प्राइस है 580 रुपये। तो 580 में ये लिया है अभी। और जो शॉप का नाम है वो है राइट वे A1 अल्ताफ हुसैन ग्रुप, ये है, यहाँ से अभी परचेज़ किया है ये। तो भैया दे दो आप इसको, ये कहाँ जैसे आपकी शॉप, थोड़ा आप बताएंगे कहाँ जैसे आपकी शॉप? रेजेंसी रोड, ठीक है। ये शूज़ आते हैं स्नो शील्ड के नाम से, 580 रुपये का एक है, और अभी हमने लिए हैं 2, ठीक है, 7 नंबर। और क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है, अगर हम इसको रेंट पे भी लेते हैं तब भी हमें 200 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है, तो उससे बेटर यही है कि हम इसको परचेज़ कर लें। और ये भीगेंगे नहीं, ठीक है, ठंड का तो कुछ गारंटी नहीं ले सकते कि हाँ कितनी इसमें लगेगी या बचेंगे, तो पहन के पता चलेगा। ये था आज का सामान लेने के लिए, ये है 580 रुपये के। अभी देखते हैं आगे, कुछ चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, क्योंकि स्नो चेन भी लेनी है अभी गाड़ी के लिए, तभी गाड़ी आगे जाएगी, अदरवाइज ऐसे नहीं जाएगी आगे। अभी निकल रहे हैं हम इसके बाद गुलमर्ग के लिए। तो गुलमर्ग दिखा रहा है यहाँ से कितना किलोमीटर है, 53 किलोमीटर दिखा रहा है लाल चौक से, और टाइम बता रहा है लगभग 1.5-2 घंटे। तो आज हमारी कोशिश रहेगी वहाँ पहुँचने की, पर मुझे लगता है आज नहीं पहुँच पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे बर्फ़ गिरी हुई है और गाड़ी आराम से नहीं जाएगी। तो स्नो चेन भी अभी आगे लेनी है, स्नो चेन लेंगे फिर देखेंगे गाड़ी वहाँ पे जाएगी कि नहीं जाएगी, तो इसलिए बने रहिए हमारे साथ। तो अभी लोकल्स जो हमारे कुछ नोन हैं, उन्होंने हमें बताया है कि कोशिश करिए जितने धूप में आप गुलमर्ग की तरफ जाएं, क्योंकि अभी वहाँ पे बर्फ़ पड़ चुकी है, तो दिन में थोड़ी पिघल के वो रोड ठीक हो जाता है, शाम के टाइम जैसे वो बर्फ़ जमना शुरू हो जाती है तो वो एक तरह से फिसलने वाली ब्लैक आइस के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो कि गाड़ी इससे फिसलती है। तो उस गुलमर्ग से पीछे एक जगह है टंगमर्ग, तो अगर हमें लगा कि कुछ प्रॉब्लम है तो हम टंगमर्ग में यहाँ रुक जाएंगे और कल दिन में फिर वहाँ से आगे बढ़ेंगे, तो ये अच्छा रहता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, क्योंकि गाड़ी में हम रिस्क नहीं ले सकते हैं। अभी हमने आगे से लेनी है स्नो चेन, तो देखते हैं वहाँ से कैसे मिलती है। तो दोस्तों श्रीनगर से लगभग 15 किलोमीटर आने के बाद अब यहाँ से हमने टर्न करना है, यहाँ से हम टर्न करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और गुलमर्ग है यहाँ से 35 किलोमीटर, 35 किलोमीटर है, लगभग 1 घंटा लगना चाहिए। बट देखते हैं हमें टंगमर्ग में जाके कि हमें वहाँ पे कुछ मिलता है, स्नो मिलती है या नहीं मिलती। तो दोस्तों अच्छी खबर ये है कि अभी हम पहुँच चुके हैं स्नो में और स्नो हमें मिल चुकी है, बट अभी इतना है कि ये रोड के साइड्स में है सिर्फ। अभी हैं हम लगभग 20 किलोमीटर पीछे गुलमर्ग से,
तो टाइम हो चुका है, लगभग 5 बज चुके हैं। अभी देखते हैं कितने टाइम में पहुंचते हैं। अब इतनी बर्फ़ है कि जो शॉप्स वगैरह हैं या जो साइड में और दुकानें हैं तो उनके बाहर है, रोड पे अभी नहीं है। अभी आगे मुझे लगता है रोड पे आने वाली है, आएगी। तो हाँ जी मेहर जी, ठंड लग रही है क्या? ठंड तो नहीं लग रही, पर आगे लगेगा, पता ठंड कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे तो काफ़ी बर्फ़ लग रही है। धीरे धीरे बर्फ़ का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है, ये जो है ये आगे बढ़ रहा लेवल, मतलब जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वो हवा ज्यादा ज्यादा ही। हाँ, अब आप देखो यहाँ पे कोई ज्यादा है। हाँ, ये बढ़ रही है बर्फ, ठीक है। तो अब देखते हैं हम कहाँ तक जा पाते हैं आज। और वैसे भी हमें बर्फ से मतलब है, ठीक है। आगे अब आज पहुँचेंगे नहीं पहुँचेंगे ये तो बात की बात है। बाकी पेड़ बेचारे यहाँ पे बिना कपड़ों के हैं। तो मेरे जी, पेड़ ऐसे क्यों होते हैं? पेड़ ऐसे क्योंकि एक तो बर्फ़ पड़ती है, बर्फ़ पड़ती है तो मतलब ज़्यादातर यहाँ पे जो पेड़ पौधे हमें दिख रहे हैं पॉपुलर के पेड़ हैं, क्योंकि अच्छा। इनमें पत्ते तो बिल्कुल है नहीं, बिल्कुल स्ट्रेट है खड़े। हाँ, 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 बिल्कुल ओके। तो टहनी टूनिए है नहीं इतनी ज़्यादा। हाँ, 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 टहनी वाले पेड़ वैसे भी यहाँ नहीं चलेंगे क्योंकि वो तो टूट जाएंगे, बर्फ़ों से लदेंगे वैसे टूट जाएंगे। सही बात, गंजे पेड़ मिलेंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज कहाँ तक पहुँच पाते हैं। वाव, क्या नज़ारा है। नज़ारा तो बहुत अच्छा है, ठीक है। दोस्तों, स्नो शूज हो गए हैं ऑन और अभी बर्फ के नज़ारे आना शुरू हो गए हैं। अब ये ना हो हम कहीं नीचे घुस जाएं। आप देखिए ये सारी वादियाँ पूरी स्नो से भर चुकी हैं। जितना हम आगे जाएंगे उतना ही ज़्यादा हमें स्नो मिलने वाला है। अभी है हम लगभग 18 किलोमीटर पीछे गुलमर्ग से। गाड़ी खड़ी है यहाँ पे, अभी देखो गाड़ी चमक रही है। गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, उससे तो हमारे कपड़े भी अंदर बाहर जाते हुए गंदे हो रहे थे। और ये देखो आप। हाँ जी मेरे जी, शूज़ आ गए। आगे शूज़ की नहीं आए, आगे। ये है हमारे स्नो शूज़, ये हमें 580 रुपीज़ में मिले हैं। और नज़ारा देखो यार, अल्टीमेट है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। अभी इससे भी ज़्यादा आगे आगे मिलेगा हमें। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं टंगमर्ग और यहाँ पे मार्केट है। अभी हम देखेंगे यहाँ से हम स्नो चेन हमें कहाँ मिलेगी, क्योंकि स्नो चेन के साथ चलना ही मेरे ख्याल से समझदारी रहेगी, तभी हम जो हमारा गुलमर्ग का डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँच पाएंगे। गुलमर्ग अभी है यहाँ से 13 किलोमीटर और यहाँ पे आप देखेंगे हर जगह जो है वो बर्फ गिरी हुई है। सिर्फ रोड में ही नहीं है, रोड के अलावा हर जगह पे बर्फ है। तो अगर हमें यहाँ पे स्नो चेन मिलती है तो हम आगे जाएंगे, अगर नहीं मिलेगी तो हम यहीं कहीं कैंपिंग का इंतजाम करेंगे। तो दोस्तों, ये है टंगमर्ग की मार्केट। तो अभी देखना पड़ेगा यहाँ पे कहाँ पे हम ले सकते हैं स्नो चेन, पूछते हैं यहाँ पे बाहर चल के। वैसे टू जामा मस्जिद जो है वो नीचे की साइड है और अभी तक तो सही है। नहीं, ये जामा मस्जिद के लिए नीचे का है रास्ता, अभी तो सही है। यहाँ पे इतना ज़्यादा स्नो नहीं है रोड पे, बट यहाँ पे अभी हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ हमें स्नो चेन मिल सकती है, ठीक है। हाँ जी जी, यहाँ से चेन और हम यहाँ शूज खोल देते हैं। अभी आपको नाइट है गुलमर्ग के अंदर से। हाँ, हाँ। होटल लिया है? नहीं, हमारे गाड़ी में सब कुछ है, हमारे गाड़ी में सब कुछ है। मतलब होटल कैंपिंग कुम्पिंग सब कुछ है आपको, मतलब रुकना है? हमारा होटल नहीं लेना है, है हमारा रुकने का, मतलब ठीक है सर है। फिर हमारे पास यहाँ से लॉन्ग कोट रहता है, अच्छा। लॉन्ग शूज रहता है, गम बूट सर, अच्छा। किराया पे देते हैं। कितने रुपए किराया है उसका? 200 वाला ड्रेस है, 300 वाला ड्रेस है, दो किस्म का ड्रेस है जो आप। ड्रेस में क्या ठंडा कम लगता है? हाँ, उसमें ठंड नहीं लगती है सर। क्या क्या होता है उसमें 200 रुपए में? शूज, कोट, केप। शूज तो हमारे पास है यार। ये नहीं चलेगा, ये तो ठंडा, ये ऊपर गीले हो जाएगा, ऊपर मोज मस्ती करोगे, इसकी इनसाइड में स्नो चली जाएगी तो ये
तो वो एक दिन का होता है? वो एक दिन का होता है। अच्छा, आज का आपका चार्ज नहीं लगेगा, कल दिन वहाँ पे घूमोगे तो कल दिन आपका वहाँ पे चार्ज लगेगा। हाँ। आज का अभी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो पहले गाड़ी लगा। और ये बताओ, स्नो चेन कैसे मिलती है? स्नो चेन हम देते हैं सर, लगा अंदर करो थोड़ा गाड़ी लेके।